तो फाइनली नया साल शुरू हो चुका है और उस नए साल पे आपने तो तैयारी जरूर कर ली होगी कि आपको एक नई बाइक लेनी है। और हाँ, वो नई बाइक आपके फ्रेंड से जरूर बेटर होनी चाहिए। तो अगर आप भी एक नई और बेहतर बाइक की तलाश कर रहे हैं तो आज किस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सभी बाइक्स के बारे में जो 2023 में लॉन्च होने वाली है। तो फिर देरी किस बात की है, जानते हैं कि कौन सी वो बाइक है जो आपके लिए आने जा रही है और आपके लिए बनाई गई है और आप लोग उसको खरीदने का प्लान बना रहे हैं। तो जानेंगे उन बाइक्स की सभी डिटेल आज किस वीडियो में मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आइए आज बात करते हैं अपकमिंग बाइक्स इन इंडिया 2023 के बारे में। सबसे पहली बाइक आने वाली है 2023 के अंदर, वो है KTM की ड्यूक 390 2023। जी हाँ, अब इस गाड़ी के अंदर आप लोग को बेटर स्टाइलिंग मिलने वाली है, बेटर हार्डवेयर मिलने वाला है और तो और गाड़ी के अंदर कुछ अब बेटर पावर के लिए ज़्यादा ट्यूनिंग की जाने वाली है। अगर मैं बात करता हूँ कि क्या बड़े चेंजेस होने वाले हैं, देखिए इस बाइक को काफ़ी बार टेस्टिंग में स्पॉट कर लिया गया है। देखने में बाइक मुझे पता चल रहा है कि बाइक इंस्पायर्ड है, 700-800 सीसी वाली जो ड्यूक आती है उससे इंस्पायर्ड इसकी डिज़ाइनिंग दिख रही है। क्योंकि बाइक के अंदर अब आप लोग को जो है वो टैंक श्राउड्स बड़े मिलने वाले हैं, बाइक के अंदर जो बॉडी पैनल्स हैं उसको भी बड़ा कर दिया जाएगा। तो एक फील मिलेगा बाइक के अंदर, वो एक बड़ी बाइक के अंदर तरह मिलने वाला है। साथ ही बाइक के अंदर आप लोगों को कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस भी मिलने वाले हैं, जहां पर आप लोग को न्यू शेप की LED हेडलाइट्स दी जाएंगी, जहां पर आप लोग को जो विजिबिलिटी है वो बढ़ने वाली है। साथ ही बाइक के अंदर आप लोग को फ्रंट में अपसाइड डाउन फोक मिलने वाला है, यानी USD फोक्स मिलने वाले हैं। रियर में आप लोग को न्यू तरीके के मोनोशॉक सस्पेंशन मिलने वाले हैं और बाइक का जो स्विंग आर्म होने वाला है उसको एल्यूमिनियम किया जाएगा और उसका डिज़ाइन भी अब बदलने वाला है। उसके अलावा देखा जाए कि बाइक के इंजन वाइज भी कोई चेंजेस होने वाले हैं। देखिए बाइक जो है करंट मॉडल में आप लोग को 373.27 सीसी की मिलती है और बाइक की पावर 42.9 BHP की है, जो ऑलरेडी बड़ी कमाल की है। बट थोड़े बहुत चेंजेस किए जा सकते हैं जिसके बारे में अभी अपडेट नहीं मिल पाई है। बाकी बाइक के अंदर अगर बात करी जाए कि कोई फीचर्स वगैरह क्या मिलने वाला है, देखिए फीचर्स वाइज इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बार आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी मिलने वाली है, जो इसके न्यू मॉडल में आप लोग को देखने को मिल जाएगी। साथ ही बाइक की अगर प्राइस की बात करता हूँ तो देखिए इतने सारे चेंजेस अब किए जाएंगे तो प्राइस भी बढ़ेगा। और प्राइस के अंदर यह है कि अभी जो प्राइस आता है वो 2.95 लाख रुपीज़ के आसपास शुरू होता है, बट अगर बात करी जाए इस मॉडल की तो तकरीबन 30,000 से 40,000 रुपये प्राइस बढ़ने वाला है और ये बाइक जो है अब 3,30,000 से 3,40,000 के आसपास शुरू हो सकती है। और अगर बात करता हूँ बाइक के लॉन्च की तो इस बाइक का लॉन्च एक्सपेक्ट किया जा रहा है फरवरी 2023 में। तो जो नेक्स्ट बाइक है ये बाइक है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450, जिसका मॉडल तो इंडियन मार्केट में अभी आता है जो 411 सीसी में मिलता है, बट आने वाले टाइम में 450 सीसी के अंदर ये बाइक आने वाली है। और इस बाइक के अंदर आप लोग को अब बेटर स्टाइलिंग मिलेगी और आप लोग को एक अपग्रेडेड वर्जन मिलने वाला है। ये एक एडवेंचर बाइक होने वाली है जिसके अंदर आप लोग को 450 सीसी वाला लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी मिलेगी। बाइक के अंदर पहले से बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, 40 bhp की पावर बताई जा रही है, टॉर्क को भी पहले से ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा। अगर बात करते हैं थोड़ा सा फ्यूल टैंक वगैरह की, तो देखिए बाइक के अंदर जो फ्यूल टैंक है उसका डिज़ाइन बदला जा रहा है। लुक्स वाइज अगर देखा जाए तो हेडलैम्प यूनिट का डिज़ाइन बदला जाएगा, टैंक श्राउड्स को बदला जाएगा, बाकी बाइक को एक पूरा फील दिया जाएगा कि यार बाइक के अंदर अब आप लोग को थोड़ा सा एक बेटर वर्जन मिले हिमालयन के मुकाबले। क्योंकि हिमालयन जो है थोड़ा सा आप लोग को कहीं कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बॉडी पार्ट्स कम है या फिर वो थोड़ा सा रगेड फील होती है, बट इसको थोड़ा सा जो है वो एडवेंचर बाइक्स की तरह लेकर जाने की तैयारी है। और इस बाइक के अंदर आप लोग को जो व्हील वगैरह है वो आप लोग को 21 इंचेस के मिलेंगे और 17 इंचेस के आप लोग को रियर व्हील सेटअप मिलने वाला है। बाकी बाइक के अंदर आप लोग को ट्यूबलेस टायर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं इस पे एक बहुत बड़ा सवाल है, बट जो स्पाई शॉट्स देखे गए हैं उसमें देखकर तो यही लग रहा है कि अभी भी इस हिमालयन में आप लोग को स्पोक्स व्हील्स मिलने वाले हैं, यानी ट्यूब वाले टायर मिलेंगे और अगर कहीं बाइक पंचर हो जाती है तो आप प्रॉब्लम में पड़ने वाले हैं। बाकी अगर बात करता हूँ कि बाइक कब तक आने वाली है, बाइक का जो एक्सपेक्टेड लॉन्च किया जा रहा है, मतलब बताया जा रहा है, वो ये है कि बाइक जो है वो इस साल के एंड तक देखने को मिलेगी, जहां पर सितंबर से अक्टूबर के बीच में 2023 में आप लोग रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450 को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी जहां पर प्राइस की बात होती है तो इस बाइक का जो प्राइस होने वाला है वो 2,60,000 से 2,80,000 के बीच में रखा जाएगा। तो अगर आपको ये बाइक
इंतजार करना है। आप लोग को ये बाइक पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तो अब जो नेक्स्ट बाइक होने वाली है, यानी तो इस लिस्ट की थर्ड बाइक होने वाली है, वो एक ऐसी बाइक होने वाली है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर दो ब्रांड साथ में हाथ मिला रहे हैं, जहाँ पर एक प्रीमियम ब्रांड है और डेली कम्यूटर बाइक बनाने वाला ब्रांड है, जो इंडिया में बहुत भरोसे माना जाता है, हमारे इंडिया का ही ब्रांड है। अब जो ये फॉरेन और इंडियन ब्रांड का कोलैबोरेशन है, वहां पर आप लोगों को एक तरफ है ट्रायम्फ और दूसरी तरफ है बजाज, और ट्रायम्फ और बजाज और मिलकर एक बहुत ही कमाल की स्क्रैम्बलर बाइक बना रही है, जिसको काफी बार टेस्टिंग में स्पॉट किया गया है, उस पर मैं काफी बार वीडियो बना चुका हूं, बट आप लोग को बताने जा रहा हूं कि ये बाइक अब फाइनली कब आने जा रही है। इस बाइक को कई बार टेस्टिंग में तो देखा गया है, स्टाइलिंग में आप लोग को पता है कि ये बाइक किस तरीके से दिखाई पड़ रही है, बाइक जो है वो ट्राइम से इंस्पायर्ड डिजाइन मिल रहा है, जो बजाज के लिए काफी नया डिजाइन होने वाला है। बट जहां पर अगर थोड़ा सा बात करते हैं उस चीजों के बारे में कि गाड़ी की परफॉर्मेंस वगैरह क्या होने वाली है, देखिए ये बाइक जो है बहुत ही नया सेगमेंट होने वाला है बजाज के लिए भी और ट्राइम के लिए। ट्राइम जो है एक कम सीसी में बाइक बना रहा है और बजाज जो है अपग्रेड कर रहा है, जहां पर उनकी डोमिनार आती है उस सीसी के आसपास इसका बाइक की कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है। अगर एग्जैक्टली बात करता हूं तो बाइक जो है वो सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी के साथ आएगी, 350 cc का इंजन मिल सकता है या फिर 400 cc का इंजन इसमें डोमिनार वाला दिया जाएगा। बाकी बाइक के अंदर अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करूंगा तो इस बाइक में आप लोग को फ्रंट में USD फोक दिए जा रहे हैं, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिए जा रहे हैं, ड्यूअल डिस्क का सेटअप मिल रहा है इस बाइक के अंदर, और इस बाइक में आप लोग को स्क्रैम्बलर वाला डिजाइन दिया जा रहा है, और होपफुली इस बाइक में आप लोग को पूरा एडवेंचर वाला फील मिलेगा, या फिर इसके अंदर आप लोग को जो हैंड गार्ड्स वगैरह होते हैं, और या फिर आप लोग उसको देख सकते हैं कि स्पाई शॉट में ये बाइक जो है वो एक मतलब टूरिंग बाइक्स की तरह भी दिखाई पड़ रही है, तो एक कॉम्बिनेशन हो सकता है या फिर उसमें एक डुअल वर्जन निकाल दिया जाए, उस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। बट हाँ, रॉयल एनफील्ड की स्क्रैम्बलर 411 या फिर हस्क्वर्ना शॉर्ट पिलियन 250 या फिर यसडी स्क्रैम्बलर जैसी बाइक से टक्कर जरूर लेने वाली है ये बाइक, और इस बाइक का जो लॉन्च है वो फरवरी 2023 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है अगर सभी चीज़ें ठीक रहती हैं, क्योंकि काफ़ी बार हाइप क्रिएट हो चुका है और इस बाइक को बताया जा रहा है कि फरवरी से मार्च के बीच में 2023 में ही ये बाइक इंडियन मार्केट में आने जा रही है, और इसका प्राइस जो होने वाला है वो ट्राइम की बाइक से काफ़ी कम होने वाला है, और जो तकरीबन 2 से 2.5 लाख के बीच में इस बाइक को प्राइस किया जाएगा। और अगर ये बाइक इसी तरीके की स्पेसिफिकेशंस के साथ इस प्राइस पर आती है तो मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल का ऑप्शन होने वाला है, जिसके लिए आप लोग को इंतजार करना चाहिए। तो अब आप ये तो जानते हैं कि इंडिया में जो भी बाइक्स आ रही हैं वहां पर एडवेंचर बाइक को ज्यादा पसंद किया जा रहा है, और सभी ब्रांड ट्राई कर रहे हैं कि वो लोग जो है एडवेंचर बाइक्स को लॉन्च करें, और शायद इसीलिए अब हीरो भी इस एडवेंचर कैटेगरी में एंटर कर रहा है, जहां पर पहले तो वो लोग एक बजट फ्रेंडली इनिशियल स्टेज वाली बाइक बना रहे थे, जहां पर जो है वो एक बिगनर जो है वो हीरो एक्सपल्स ले लेता था, बट अब एक्सपल्स के अंदर आप लोग को 400 cc वाला इंजन दिया जा रहा है, जहां पर आप लोग को ज्यादा पावर मिल रही है और एक प्रॉपर रगेड वाला फील मिलने वाला है जो एक ऑफ रोडर आपको देती है। अब अगर बात करता हूं इंजन कैपेसिटी की, तो इस बाइक में 421 cc वाला सिंगल सिलेंडर इंजन दिया जाएगा, और ये बाइक सीधा कंपेयर करेगी रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450 से। इस बाइक में जो टायर वगैरह होने वाले हैं वो भी आपको बड़े मिलने वाले हैं, 21 इंच का फ्रंट टायर होगा और 18 इंच का रियर में स्पोक्स व्हील्स वाले टायर मिलने वाले हैं। जी हाँ, इस गाड़ी के अंदर भी आप लोग को स्पोक्स व्हील के टायर मिल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से हीरो के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर वो इस बाइक के अंदर आप लोग को एलॉय व्हील्स भी दे दें, क्योंकि बाइक की स्टाइलिंग जो है वो थोड़ा सा जो एक प्रीमियम एडवेंचर कैटेगरी होती है उससे स्टाइलिंग को इंस्पायर कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है वो स्पोक्स व्हील्स इतने बेटर नहीं लगेंगे, बट मेरे हिसाब से हो सकता है कि इसके अंदर दोनों वर्जन दे दिए जाएँ, या फिर इसके अंदर आप लोग को सिर्फ स्पोक्स व्हील वाला वर्जन दिया जाए। बट पावर फिगर्स की अगर बात करूंगा तो देखिए 50 PS के आसपास ये जो है इंजन आप लोग को पावर जनरेट करेगा, 50 PS बहुत अच्छी पावर है, जो हिमालयन की 450 वाली बाइक आने वाली है उससे भी बेटर होने वाली है। बाकी अगर देखता हूँ कि भाई बाइक में आप लोग को क्या प्राइस वगैरह मिलने वाला है, देखिए बाइक का जो प्राइस होने वाला है वो 270,000 के आसपास होगा। बाकी बाइक में जो लॉन्च है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाइक का जो लॉन्च है वो साल के मिड तक ही होने वाला है, जो तकरीबन जून जुलाई के आसपास आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो जहां पर अफोर्डेबल क्रूजर बाइक की बात होती है तो इंडिया में सबसे पहला नाम बजाज एवेंजर का आता है, जो कि काफ़ी नाम बना चुकी है 160 cc के अंदर, और बाइक के अंदर आप लोग को 220 cc वाला भी कॉन्फ़िगरेशन मिला करता था। बट ये बाइक जो है काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड रही और काफ़ी पसंद की जाने वाली बाइक थी, इसीलिए इसको अब अपग्रेड किया जा रहा है, और अगली बाइक हमारी बजाज की एवेंजर 400 है,
जी हाँ, 400 के अंदर आप लोग को एवेंजर भी दिखने वाली है, क्योंकि 400 सीसी में तो बजाज की एक टूरिंग बाइक आती है जो कि डोमिनार 400 है, बट इस बार अब एवेंजर आने वाली है 2023 में, जहां पर आप लोग को जो इंजन होने वाला है वो ऑलमोस्ट डोमिनार वाला ही मिलने वाला है, जो 373 सीसी वाला इंजन होगा, और इस बाइक में आप लोग को 35 BHP की पावर और 35 Nm का टॉर्क दिया जाएगा। बाइक के अंदर 6-speed वाला गियरबॉक्स होगा, ड्यूअल चैनल ABS, ड्यूअल डिस्क, और फ्रंट में आप लोग को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे, और रियर में आप लोग को ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स दिए जाएंगे। बाकी बाइक के अंदर अब पहले के मुकाबले ज़्यादा बेटर फीचर्स मिलेंगे, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी दी जा सकती है, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिससे अब ये एवेंजर जो है, जो कि एक काफ़ी भरोसेमंद नाम है, वो अब पहले से बदलने वाला है, न्यू ऑप्शन के साथ आ रहा है, और बाइक के अंदर आप लोग को ज़्यादा पावर भी मिलने वाली है। बट ये बाइक आने कब वाली है? ये बाइक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बाइक जो है वो मार्च से जून के बीच में 2023 में लॉन्च की जाएगी। बात करता हूँ बाइक के सीधे राइवल्स की, तो ये बाइक जो है सीधा टक्कर देने वाली है रॉयल एनफील्ड की मिटियोर को, जो कि एक क्रूजर बाइक है, और बजाज एवेंजर भी एक क्रूजर बाइक है, जो पहले तो आप लोग को इंजन की वजह से कम लगती थी, पर अब आप लोग को बेटर इंजन मिलने वाला है, ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलने वाली है। बाकी जो बाइक का प्राइस होने वाला है, देखिए जो एवेंजर 400 होगी, इसका जो प्राइस है वो तकरीबन 180,000 से 220,000 के आसपास से शुरू होगा, और ये बाइक जो है इसी प्राइस ब्रैकेट में आएगी, और हो सकता है कि बजाज इस बाइक को ज़्यादा प्रॉफिट फ्रेंडली बना दे और प्राइस कम कर दे, बट अभी तो ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि 180,000 से 220,000 के आसपास इस बाइक का प्राइस होने वाला है, जो मार्च से जून के बीच में इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। तो आप लोग को जानते हैं कि होंडा ने कुछ साल पहले इंडिया में बिग विंग स्टार्ट किया था, जहां पर उन्होंने पहली बाइक जो है वो होंडा हाइनेस को उतारा था, जो कि 350 cc के अंदर आती थी। बट अब उसी बाइक का एक नया वर्जन आने वाला है, जो होंडा हाइनेस आती थी उसका एक नया वर्जन आने वाला है 2023 के अंदर, और ये बाइक 350 cc के साथ ही आएगी, बट इस बाइक का नाम थोड़ा सा बदलने वाला है। इस बाइक का नाम होगा होंडा CB350 Brigade। अब ये बाइक का नाम ऐसा क्यों होने वाला है? ये एक जापानीज मैन्युफैक्चरर का नेम है, जो वो देने वाले हैं अपनी न्यू रेट्रो बाइक को। अब ये बाइक कितनी अलग होने वाली है स्टाइलिंग में, वो तो वक्त आने के बाद ही पता चलेगा, बट बाइक के अंदर इंजन वाइज कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। सेम सिंगल सिलेंडर वाला 348 cc का एयर कूल्ड इंजन दिया जाएगा, जो 20.78 BHP की पावर जनरेट करता है और 30 Nm का टॉर्क देता है। बाइक का नाम अलग होने वाला है, बाइक का लॉन्च होने वाला है इंडिया में, जो तकरीबन अगर आप लोग एक्सपेक्ट करेंगे तो वो मार्च से मई के बीच में इस बाइक को इंडियन मार्केट में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और इस बाइक का प्राइस अब थोड़ा सा बढ़ने वाला है। उसमें अभी क्लैरिटी नहीं मिल पाई है कि क्या नए फीचर्स मिलने वाले हैं, क्या चीज़ की वजह से इसको ब्रिगेड कहा जा रहा है, बट डिज़ाइन में थोड़े बहुत चेंजेस होने वाले हैं, जिससे ये बाइक जो है वो एक न्यू रेट्रो मोटरसाइकिल होने वाली है। तो ये एक सिर्फ अपडेट है जो बताती है कि भाई होंडा की CB350 Brigade आने वाली है, जो बताया कि मैंने आप लोगों को मई तक इंडियन मार्केट में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बाकी जो प्राइस होने वाला है वो तकरीबन 200,000 से 230,000 के आसपास इंडियन मार्केट में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और ये बाइक का जो सीधा राइवल होने वाला है वो यजदी स्क्रैम्बलर, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि होंडा CB350 RS जो आती है उससे थोड़ा सा सिमिलर होने वाला है, उसी कैटेगरी को राइवल करने वाला है, बट थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, बट वो डिफरेंट में अभी क्लैरिटी नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता पाऊंगा, बट ये बाइक बहुत जल्द इंडियन मार्केट में आने वाली है। तो अगर आप लोग होंडा हाइनेस खरीदने का प्लान बना रहे हैं और चाहते हैं कि भाई होंडा की जो 350 cc वाला सेगमेंट है उसमें वो बाइक ले, तो थोड़ा सा और रुक जाइए, क्योंकि ये नई बाइक आने वाली है, हो सकता है इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐसी हों जो इसको हाइनेस से बेटर बनाती हो, CB350 RS से बेटर बनाती हो। बट अगर स्टिल आप लोग होंडा CB350 RS की या फिर हाइनेस की वीडियो देखना चाहते हैं तो मोटोनॉमिक्स पर आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। तो अगली बाइक भी बजाज की तरफ से होने वाली है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बजाज की बाइक जो है वो स्ट्रीट नेकेड बाइक में काफ़ी पसंद करी जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने एक न्यू सीरीज लॉन्च करी थी, जिसके अंदर आप लोग को पल्सर N160 आती थी और N250 आती है, जो कि ट्विन्स बाइक हैं वो आप लोग को मिला करती है। बट बजाज जो है अपने 200 cc वाले इंजन को भी इसी सेगमेंट में लाने जा रहा है, यानी N नाम के साथ ही लेकर आने वाला है। बाइक के अंदर स्टाइलिंग अब N सीरीज की 160 की तरह मिलने वाली है, और बाइक के अंदर जो इंजन होने वाला है वो 200 cc वाला बजाज का ही इंजन होने वाला है। बाकी बाइक जो है काफ़ी वैल्यू फॉर मनी होने वाली है, और जो अभी काफ़ी डिटेल्स हैं वो अभी सामने नहीं आ पाई हैं, बट ये बाइक जो है इस साल के मिड तक लॉन्च करी जाएगी, और ये अगस्त के आसपास इंडियन मार्केट में एक्सपेक्ट करी जा रही है। और इस बाइक का जो प्राइस होगा वो तकरीबन 130,000 से 140,000 के आसपास रखा जाएगा।
अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रॉयल इनफील्ड की जो बुलेट मोटरसाइकिल है वो इंडियन मार्केट में आती है, जो लोग उसको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उसमें आज भी वो वाला फील है जो क्लासिक फील उनको मिलता है, जो एक्चुअल में क्लासिक वाला फील है वो कि बुलेट स्टैंडर्ड में ही मिलता है। बट बुलेट स्टैंडर्ड के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज कर देनी चाहिए, जिसकी वजह से उसका नेक्स्ट जनरेशन मॉडल 2023 में आने जा रहा है। अब ये बाइक जो है इसके अंदर क्या चेंजेस होने वाले हैं, देखिए डिज़ाइन वाइज तो इसमें आप लोग को ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें दी जाएंगी। हैलोजन वाली हेडलाइट मिलेगी, टीयर ड्रॉप शेप्ड फ्यूल टैंक मिलेगा आप लोग को, फेंडर्स जो हैं वो भी आप लोग को ऑलमोस्ट सेम मिलने वाले हैं, सिंगल पीस सीट दी जाएगी। बट जो चेंजेस होंगे वो इसके मेजर चेंजेस इसके इंजन में किए जा रहे हैं, क्योंकि इंजन को रिफ्रेश कर दिया जाएगा तो बाइक का पूरा दिल बदल जाएगा। इसीलिए इस बाइक में आप लोग को 349 सीसी वाला सिंगल सिलेंडर इंजन दिया जाएगा, जो 20.2 bhp की पावर और 27 nm का टॉर्क देगा। जी हाँ, ये वही इंजन है जो आप लोग को क्लासिक 350 या फिर मिट्योर 350 या फिर हंटर 350 में मिलता है। बाइक के साथ आप लोग को 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स भी मिलेगा। बाकी बाइक में तो देखिए ऑलमोस्ट यही चेंजेस किए जाएंगे, बट फीचर्स वाइज हो सकता है कि इस बार इसमें आप लोग को थोड़ा सा हार्डवेयर चेंजेस भी मिले, जहां पर आप लोग को फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक मिले, स्टैंडर्ड ABS वाला वेरिएंट भी दे दिया जाए। बाकी इस बाइक में आप लोगों को पता है कि इस पे फ्रंट एंड रियर में स्पोक्स व्हील्स ही मिलते हैं, तो वही इसमें दिए जाएंगे ताकि जो क्लासिक वाला फील है, जो बुलेट वाला फील है स्टैंडर्ड वाला, वो कभी ना बदले। और बाइक का जो प्राइस होने वाला है वो तकरीबन 180,000 के आसपास से स्टार्ट होगा, और ये प्राइस जो है वो तकरीबन 20-30,000 रुपये इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर देखा जाए कि गाड़ी का लॉन्च कब है, तो इस गाड़ी का लॉन्च जो है वो मई 2023 में बताया जा रहा है। तो अगर आप लोग भी बुलेट का इंतज़ार कर रहे हैं, स्टैंडर्ड लेना चाहते हैं एक नए फीचर्स के साथ, एक नए जे सीरीज़ वाले इंजन के साथ जो इसकी सिबलिंग्स हंटर मिटियोर और क्लासिक में दिया जाता है, तो फिर आप लोग बुलेट 350 नेक्स्ट जनरेशन का इंतज़ार कर सकते हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो में मैंने तो आपको ये बता दिया है कि वो कौन सी बाइक है जो कंफर्म हो चुकी है 2023 के लिए और आने जा रही है बहुत जल्द। तो अगर आप भी इनमें से कोई ब्लैक बाइक प्लान कर रहे हैं या फिर इंतजार कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि कौन सी बाइक है जिसको आप लोग इंतजार कर रहे हैं, या फिर कौन सी बाइक ऐसी है जो इस लिस्ट में नहीं है, मैं उसके बारे में भी कन्फर्मेशन चेक करके आई है या नहीं आई है उसके बारे में भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, एक बटन दबा के मोटर नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फराज23 डालकर मुझे फॉलो कर लीजिए, और मोटोनॉमिक्स 1 डाल के मोटोनॉमिक्स को तो फॉलो कर ही लीजिएगा। वहां पर आप लोग सवाल वगैरह पूछते रहते हैं, इसको पूछते रहिएगा, कोई भी ऑटोमोबाइल डाउट्स है आपको, कोई भी गाड़ी वगैरह लेनी है उसके बारे में भी आप लोग इजीली आकर पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर क्विक रिस्पॉन्स दे देता हूं। आज की इस वीडियो में यही था, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि ये फ्री है। आज की इस वीडियो में यही था, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी और फैमिली ऑटो कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हाई।